ये है स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। लामा फिरा का वर्कशॉप कैसे ऑर्गेनाइज होता है, इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाती है आपको। सबसे पहले तो ये 2 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें 2 लेवल है, एक है हीलर लेवल और दूसरा है मास्टर लेवल। हीलर लेवल में क्या होता है कि हीलर लेवल में आप खुद हीलिंग सीखते हो और आप दूसरों को हील कर सकते हो, मतलब उतना आपके अंदर दे दिया जाता है नॉलेज, अट्यूनमेंट एक दिया जाता है हीलर लेवल पर जो फर्स्ट डे का होता है। सेकंड डे जो होता है वो मास्टर लेवल का वर्कशॉप होता है। मास्टर लेवल का जो वर्कशॉप होता है उसमें 2 अट्यूनमेंट्स होते हैं और दोनों में सिंबल्स का यूज होता है। जो मास्टर लेवल का वर्कशॉप करता है वो आगे चल के लोगों को भी सिखा सकता है एज ए टीचर, बट उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम आगे बताएंगे आपको कि मास्टर को मास्टरी कैसे हासिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी पावरफुल। जब तक आप पावरफुल नहीं हो, खुद को जब तक बैलेंस नहीं करते हो, खुद का पूरा जो भी नेगेटिविटी है, प्रोग्रामिंग है, जो भी है उसको रिमूव नहीं करते तब तक आप मास्टर लेवल पर नहीं जाए तो अच्छा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कैपेबल। उसके लिए क्या करना है वो आगे हम बताएंगे। ये प्रोग्राम, ये वर्कशॉप्स कैसे रन होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंसान आता है उसका हम एनर्जीज चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये इंसान की एनर्जीज कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बोलता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, पर एनर्जेटिकली हम चेक करते हैं तो हमें नहीं मिलता वो प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंसान को खुद को पता नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो ये एनर्जी एनालिसिस सबसे पहले होगा, डायग्नोस होगा कि आपकी एनर्जीज क्या है। आफ्टर दैट देयर विल बी अ पार्ट, हम एक मेडिटेशंस के थ्रू आपको एक कवर, प्रोटेक्शन कवर देंगे कि जब भी आपने देखा है कि कुछ अच्छा काम करने इंसान जाता है, जब वो डिसाइड करता है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, इवन घर में कोई ये भी सोचता है कि ये पूजा करानी है कुछ, तो वो नहीं करा पाता, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है जिसको हम ऑब्स्टेकल बोलते हैं, विघ्न बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी सीखने आना चाहता है उसको भी हम कवर देते हैं और जो सीखने ऑलरेडी आ चुका है उसको भी कवर देते हैं कि वो एक शील्ड के अंदर प्रोटेक्टेड रहे और उसके आसपास कोई नेगेटिविटी ना आए। जब वो स्टार्ट कर रहा है ट्रूथ और धर्म और लाइट इसके पाथ पर चलना, जब स्टार्ट कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, 100% जरूरत है। सो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट दैट वी विल गिव यू। आफ्टर दैट हम एक्सप्लेन करते हैं चक्रास के बारे में, बिकॉज ये मॉडलिटी पूरी चक्रास के ऊपर काम करती है। चक्रास क्या है वो सब के लिए आप हमारे और वीडियोज में देख सकते हैं कि चक्रास है क्या। ठीक है, चक्रास जो है वो एनर्जी सेंटर है। तो यहाँ पर ये टेक्निक में चक्रा बैलेंसिंग होता है, आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं और 3 गुण जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बैलेंस होते हैं। तो ह्यूमन लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 3 चीज़ें बैलेंस करने से, 5 एलिमेंट बैलेंस करने से, 7 चक्रास को बैलेंस करने से और एनर्जी बैलेंस करने से ही सॉर्ट आउट होगा, बिकॉज तब आप पावरफुल बन पाओगे। पहले दिन में हीलर लेवल का अटेनमेंट होगा, ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। वास्तु के बारे में आपको सिखाया जाएगा हीलर लेवल पर कि वास्तु का हीलिंग कैसे करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज़ किए बगैर आप कैसे किसी घर से नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो, कैसे उसको पॉजिटिव कर सकते हो, वो टेक्निक सिखाई जाएगी। आफ्टर दैट देर विल बी अ पार्ट, जैसे मैंने बताया ब्लैक मैजिक एंटिटीज, ये सब जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कैसे करना है उसकी टेक्निक बताई जाती है। एंड आफ्टर दैट सेकंड डे को मास्टर लेवल में 2 अटेनमेंट्स होते हैं, 2 अटेनमेंट्स होते हैं और उसमें हम ये जो वास्तु, ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि हाउ यू कैन वर्क विद दिस काइंड ऑफ केसेस, कैसे काम कर सकते हो।
और हमारे जो केस स्टडीज है वो भी शेयर करते हैं, हमें क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कौन से केस पे काम करने से क्या होता है। मैनी टाइम्स इट हैपन्स के हम काम करते हैं, सामने वाले क्लाइंट को ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप काम करना चालू करते हो तो रिजल्ट इज देयर। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे रिजल्ट्स लेना है खुद की लाइफ में और लोगों की लाइफ में, बिकॉज आप सर्व करने के लिए बाहर निकल रहे हो तो यू शुड बी पावरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पूरा टेक्निक होना चाहिए और पूरे आपका इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये 2 दिन का होता है वर्कशॉप जिसमें हीलर लेवल और मास्टर लेवल इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, एंड आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करके खुद पावरफुल हो सकते हो, लोगों को भी पावरफुल बना सकते हो। सो इट इज एक्ट ऑफ धर्मा एक्चुअली। अगर आप धर्म को, सत्य को स्थापित करना चाहते हो, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू कैन वॉक ऑन दिस पाथ।